तो भाई यार सुबह सुबह देखो इतना कोहरा है ना, बहुत कोहरा। हमारा कॉलेज ग्राउंड देखो, देख ही नहीं रहा कुछ। अब इंटर में था तो ये वाला मेरा क्लासरूम का ये वाली विंडो है, ये और ये और वो। तो भाई हमने भी बहुत बंक मारी है जब इंटर में थे तो। हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू ब्लॉग में। तो आई होप आप सब सही होंगे। तो भाई यार सुबह सुबह देखो इतना कोहरा है ना, बहुत कोहरा है। देखो ये देखो भाई, कल तो थोड़ा बहुत था, आज तो बहुत ज़्यादा ही है। और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ तक का भी नहीं दिख रहा था, थोड़ा थोड़ा हल्का होता जा रहा है। मतलब फर्स्ट कोहरा है हमारे यहाँ का ये। एक दिन हो गया, मतलब एक दिन पहले से मतलब ठंड भी काफ़ी होने लग गई है। तो अच्छी खासी ठंड होने लगी, अभी भी मुझे लग रही है हवा से चल रही ठंडी ठंडी थोड़ी थोड़ी। तो अभी तो मैं जैकेट निकालूंगा पहनूंगा, वरना मैं बाहर निकलूंगा ही नहीं, अपना आराम से अंदर बैठूंगा कंबल वगैरह में। और ठंड तो हो गई, ओस पूरी रात बहुत पड़ी है, तो अब तो ठंड का आ ही गया माहौल, अब तो डेली कोहरा कोहरा होगा। तो चलते पहले तो अपना दूध वूध पीते हैं। तो भाई दूध पीते हैं और दूध पी के चलते हैं कहीं घूमने, देखते हैं कैसा कोहरा है क्या। दिखाता हूँ आपको पूरा, उधर जाके फील्ड में जाऊँगा जहाँ खेलते हैं हम और रनिंग वगैरह करते हैं। तो दूध पीता हूँ पहले, तो चलते हैं कहीं घूमने। तो मैंने अपनी बाइक भी निकाल ली, तो सुबह सुबह देखते हैं कहाँ जाते हैं। भाई कसम से ना, बाइक तो बहुत ही ठंडी हवा लग रही है, बहुत ठंडी, पैर तो चिल्ड होते जा रहे हैं। होता है ना पैरों में कोहरे में लगती है, वैसे ही बहुत तेज लग रही है। भाई कोहरा सच में काफी आ गया है, हवा ठंडी ठंडी। हमारा कॉलेज ग्राउंड देखो, भाई भीड़ बहुत है इसमें, दिख नहीं रही है, मैच चल रहा है। चलो मैं अंदर जाके दिखाता हूँ। तो भाई शर्ट पहने हुआ था मैंने, पहन तो हुडी ली है, मतलब स्वेट शर्ट, जिससे कि थोड़ा कम ठंड लगे। तो अभी दिखाता हूँ मैच चल रहा है, भाई कितनी भीड़ है इसमें, लग रहा है कोई नहीं है। देखो आप दिखेगा, हैं बहुत सारे लोग, क्रिकेट चल रहा है। तो गाइस ये इधर गेम भी होते हैं, रनिंग भी करते हैं लोग। और ये है इधर कॉलेज, यहाँ बाउंड्री कर दी है। ये है इधर, इधर बच्चे, मतलब बच्चे नहीं निकले इसलिए बाउंड्री वगैरह कर दी। तो इसमें अलग गेम होते हैं, वॉलीबॉल है वो, बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल का ये कोर्ट है। और बास्केटबॉल मैं भी खेला हूँ जब मैं इंटर में था इसमें। ये बास्केटबॉल कोर्ट, अब इंटर में था तो ये वाला मेरा क्लासरूम का ये वाली विंडो है, ये और ये और वो, ये तीन थी। तो भाई हमने भी बहुत बंक मारी है जब इंटर में थे तो, चुपचाप निकल आते थे। तो उसी टाइम पे जब हम इंटर में थे तभी ये बाउंड्री हो गई, पहले कुछ नहीं था, चुपके से निकल जाते थे बच्चे, इसलिए बाउंड्री करा दी थी सर ने। तो ये पहले मतलब थी नहीं, पूरा ये वाला है, ये दीवार कोई सी वाली नहीं थी। और इधर के लिए चले आते थे खेलने के लिए ग्राउंड में, तो बच्चों को रोकने के लिए सर ने पूरा कवर्ड करा लिया था, जिससे कि बच्चे इंटरवेल हो तो घर नहीं भागे या चुपके से ना निकल जाए इसलिए। तो गाइस चलते हैं अब मार्केट में घूम के आते हैं। तो गाइस ये मेन एंट्री थी हमारी कॉलेज की। भाई ये तो बढ़ता ही आ रहा है और ज़्यादा कोहरा, पहले तो कम हो रहा था, बढ़ रहा है। भाई अभी तो अपने फ्लैट में आया हूँ और ऐसा पता नहीं था कि इतनी जल्दी आज के दिन कोहरा ठंड सब कुछ एक ही दिन में आ जाएगा, तो ये उम्मीद नहीं थी। तो आज हम थोड़ा इंतज़ाम भी करेंगे इनका। ये कालू हमारा लेटा है, ये कालू बैठा है, ठंड लग रही कालू क्यों गुस्से से देख रहा है, गुस्से से ठंड लग रही है।
ना ना बेटर है बेटर है बेटर है, खड़ा मत होइए, बेटर है। तो भाई आज ना इनका फुल इंतजाम करना जिससे ना हवा ना लगे ठंडी, ठीक है। और यहाँ तक हमें वो लेकर आना है जो त्रिपाल होता है, उसका हमें पूरा यहाँ तक गेट टाइप का करना है। और ये भैंस है और ये कालू अपना, जिससे कि इनको ठंड ना लगे। बाकी इधर तो ये थोड़ा थोड़ा लगा दिया हमने, इतना तो कर दिया था इसमें, बस ये रह गया है। यहाँ से हवा ज़रूर आती होगी, पता भी नहीं था कि एक ही दिन में सारी चीज़ हो जाएगी। तो मतलब रात से ही हवा चलनी शुरू हो गई, ठंड एकदम बड़ी, और आज सुबह सुबह इतना कोहरा आ गया, उम्मीद नहीं थी जितना आया है। तो आज लेकर आएंगे, पापा कह रहे थे सुबह, तो फिर आज पूरा फुल इंतजाम करना है इनका। कालू उठ गए तुम? ओए कालू, तो गाइस नहा के हम आ गए तो ऊपर, धूप में, धूप निकल रही है, अच्छी खासी धूप निकल रही है। साथ में हमारा भाई है, मौसी का बेटा काव्यांश, और इसकी शैतानी चली रही है, इसने पूरी कुर्सी तोड़ ताड़ के सब बराबर कर दी, और ये सब नौटंकी कर रहा है। चल भाग भाग, चल ऐसा पकड़ ले इसे, हिमांशु ऐसा काव्यांश को पकड़, काव्यांश को इधर आ, ओए ऐसा पकड़ इसे, ले ब्रूनो इधर आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी, ऐसे पकड़ो इसे, पकड़ ले पकड़ ले ऐसा पकड़ इसे, ये अरे परात में डाल दिए नीचे इधर, ओए ओए चल अभी कर दे तो नीचे, चल भाग भाग, अब उठा के देखा, अब उठा के देखा, अब देखा अपनी पावर, अब नीचे जाती फिर जाती उस दिन की तरह नीचे, पर रात बच गई। काव्यांश एक बार पकड़ के देखिए इसे एक बार, ओए चोर, रख नीचे, रख नीचे, रख नीचे, रख रख नीचे, अरे अरे चल भाग, चलो चलो आओ जल्दी, ले बस 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 नीचे चल रहा है, मतलब नीचे डाल ही देगा गड्ढे में, मतलब हमारे सामने खेल के लिए गड्ढे में डाल देगा। तो गाइस जी हमारी दादी बैठी हैं आराम से कंबल में, चाय पी ली? हाँ पी ली। तबीयत सही है अब? सही है। सही है। आंखें कैसी हो रही हैं? आंखें बुखार की हो रही हैं। वैसे तबीयत सही है? तो दादी ने थोड़ा ठंडा पानी पी लिया था, मतलब गर्म नहीं पिया था, इस वजह से थोड़ा सा कोल्ड हो गया, थोड़ा सर्दी सी हो गई थी। अब सही है तबीयत बिल्कुल? अब सही है ना बिल्कुल? हाँ तो अब तबीयत बिल्कुल सही है। मैं खैर वीडियो में अक्सर आती रहती क्या दादी? दादी दादी ब्लॉग कैसे लगते हैं मेरे? मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? वीडियो अच्छे लगते हैं। अच्छे लगते हैं? अच्छा देखती हो? अच्छा तो गाइस दादी ब्लॉग मेरे मतलब डेली देखती हैं, एक भी दिन खाली नहीं जाता, देखती डेली है। अच्छे लगते हैं ना? अच्छे लगते हैं ब्लॉग। भाई ब्लॉग अच्छा लगा करें तो लाइक शेयर जरूर करा करें, कमेंट भी किया करें और सब्सक्राइब भी करें जल्दी से जल्दी। अपने ब्लॉग का यही पेंट करता हूँ, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।